हेलो दोस्तों, ये है ड्रैगन बटरफ्लाई। शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन आप इसको देख लीजिए। वो क्या है, जब मैं अपने ऑफिस में वर्क कर रहा था, तब ये पंखे से कटकर नीचे गिर गया। इसका सर नहीं है, ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन ये फिर भी ज़िंदा है, और ये अभी ज़िंदा तो है, कम से कम लगभग 5 घंटे तक ज़िंदा था ये। मैंने इसकी वीडियो बना ली थी ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। असल में सबसे बढ़िया बात तो ये है कि इसमें प्राकृतिक ने जो कलर डाले हैं, वो बहुत ही खूबसूरत कलर हैं। मैंने ऐसे और पास से कर कर देखा, तो पाया कि इसके पूंछ के जो पीछे कलर लगा है, वो हल्का ग्रीन है। और पास से देखा तो स्काई ब्लू कलर है। और इसके जो पंख हैं, वो चार पंख हैं। चार पंख इतने हल्के दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये परी है कोई एक। और इसके जो पंख में कलर है, वो येलो शेड के हैं। पीले कलर में इसके पंख हैं। मैं थोड़ा सा और पास दिखा देता हूँ। देखिए, इसका सर नहीं है, लेकिन ये फिर भी ज़िंदा है। मैंने इसके सर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे नहीं मिल पाया, वरना आज ये प्रैक्टिकल हो जाता कि इसका सर मैं जोड़ देता, लेकिन ये नहीं जोड़ सका क्योंकि मुझे उसका सर ही नहीं मिल पाया। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? क्या आपने ऐसे जीव जंतु को देखा है? देखिए, येलो शेड हो गई ना, येलो शेड कलर में देख लीजिए आप। इनके येलो हैं, येलो कलर में इसके पंख बने हुए हैं, वो भी लाइट येलो, बहुत लाइट येलो, बहुत ही खूबसूरती तरह से डिज़ाइन किया गया है। ये प्राकृतिक की इतनी बढ़िया कलाकारी है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। मैं इसे प्यार से सहला रहा था ताकि इसे कुछ प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अब इसको प्रॉब्लम हो या ना हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। इसको सोचने समझने की इसकी शक्ति तो गई ना। इसे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बस ये जीवित है। देखिए, मैं इसे पलट के भी मैं दिखा देता हूँ। इसके पैर चार तो थे, चार पाँच छः, एक पैर ना कट गया था इसका, वो भी इसी के कारण कटा, पंखे में आने के कारण। और देखिए, इसके पंख के चारों तरफ देखिए एक ब्लैक कलर के स्पॉट बने हुए हैं, एक उधर लेफ्ट पे, राइट पे, टॉप और बॉटम में। और पूंछ भी इतनी लंबी है, ये देखिए कितने सुंदर तरीके से बनाया था ये। अभी भी फड़फड़ा रहा है। अब मैं इसको थोड़ी देर बाद सीधा कर दूंगा। ये देखिए, फिर से बेचारा ड्रैगन बटरफ्लाई। पता है हमारे यहाँ इसको झाज बोलते हैं, और इसको हम हेलीकॉप्टर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब ये उड़ता है तो उसी हेलीकॉप्टर की जैसी आवाज़ निकालता है ये, और इतनी स्पीड से दौड़ता। देखिए, ये है ग्रीन कलर, देखा ना, ग्रीन कलर शेडिंग, ग्रीन कलर वो है आपका स्काई ब्लू, मतलब प्राकृतिक के जो कलर मैंने नेचुरल कलर देखे, तो उनको नेचुरल कलर को तो बनाया ही नहीं जा सकता। उनके जैसा हम रंग बना लेते हैं, लेकिन उन जैसा रंग नहीं बना सकते।
इतना प्यारा लग रहा था ना ये उस दिन, क्या बताऊं। मैंने और भी बहुत पास देखा, देखो ये है स्काई ब्लू कलर इसका। अब इससे ज़्यादा जूम नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा यही काफ़ी है आपको दिखाने के लिए। और जो उसके पंख हो ना बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि मान लो कि आपके पास एक पीपल का पत्ता होता है ना, उस पत्ते को सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उस पत्ते में ना जितना भी जो बुरादा टाइप का होता है लकड़ी, वो अपने आप झड़ जाती है, सिर्फ पत्ते ही पत्ता रह जाता है जालियों वाला। तो उस पत्ते को और इस पत्ते को दोनों को अगर मिलाया जाए ना तो दोनों की दोनों सेम है, ये कोई भी डिफरेंट नहीं है। वो भी इतना ही हल्का होता है, ये भी इतना हल्का है। इस प्राकृतिक की खूबसूरती तो देखिए, कितना अच्छी तरह से सोच समझ कर बनाया है ये। अब इस हम क्या कर सकते हैं, मैं तो ये सोच रहा था कि ये कहीं से गिर गया है तो लाओ उसको मैं पानी पिला दूं। असल में मैं इसको पानी कैसे पिला पाता, इसका तो पानी पिलाने के लिए मुंह ही नहीं है। फिर मैं इसको बार बार देखने लगा, आखिर में मैंने थोड़ी देर बाद इसको उठाकर बाहर ले गया। और बाहर ले जाने के बाद मैंने इसको एक पेड़ पर रख दिया, हो सकता है वो ज़िंदा हो जाए इस उम्मीद में। लेकिन असल में ये ज़िंदा ना हो सका। और धीरे 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 इसके हाथ पैर जो काम कर रहे थे, फड़फड़ा रहे थे, वो फड़फड़ाना बंद हो गया। और थोड़ी देर बाद बेचारे की मौत हो गई। इस बात का मुझे बहुत दुख है कि हमारे यहाँ ऐसे कीट आ जाते हैं लेकिन हम अपने मस्ती मगन में रहते हैं और इनकी देखभाल नहीं कर पाते, इसलिए इनकी जान हमारे पंखे की वजह से गई। सॉरी।